हम डिफरेंट शेडिंग टेक्निक्स की बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारी शेडिंग टेक्निक्स हैं, लेकिन जो बेसिक हैं चंद एक मैं उन पे आज बात करूँगी। तो जो सबसे पहले आती है उसको हम हैचिंग बोलते हैं, जो भी मैंने पिछले लेसन में भी प्रैक्टिस की थी वो हैचिंग थी, और मैं ज़्यादातर हैचिंग ही यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा जो हैचिंग में ही एक वेरिएशन है जिसको हम क्रॉस हैचिंग बोलते हैं, हम वो उसकी प्रैक्टिस करके देखेंगे। एंड जो एक थर्ड जो ज़्यादा यूज़ की जाती है उसको हम सर्कुलरिज्म बोलते हैं, और जो फोर्थ है उसको हम स्टिपलिंग बोलते हैं। अब हैचिंग में जिस तरह मैंने पिछले लेसन में भी प्रैक्टिस किया था कि आप सर्टेन एंगल के साथ बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ आप लाइट से डार्क की तरफ जाते हैं। इसमें बेसिकली लाइंस होती हैं जिसको आप स्टंप के साथ या बाद में पेंसिल के साथ लाइंस में एक एंगल पे ड्रॉ करते हुए मर्ज करते हैं। अब आपने देखा होगा कि पेंसिल का एंगल मैंने सेम रखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड हैचिंग। अब इसमें है कि बहुत क्लोजली ड्रॉन लाइंस हैं लेट के साथ एक एंगल पे, और उसमें जो है हमें वाइट स्पेस बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। और इसको ही अगर हम स्टंप के साथ मर्ज कर दें तो इसको हम ब्लरिंग टेक्निक बोलते हैं, हमने इसको ब्लर कर दिया। तो ये थी हैचिंग। अब क्रॉस हैचिंग की बात करते हैं। अच्छा, क्रॉस हैचिंग में आप की लाइंस ऑब्वियस होती हैं, ये मैं एक एंगल पे लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ और दूसरे एंगल से मैं उसके क्रॉस बना रही हूँ। इसमें जब लाइट का एंगल होता है उसको स्टडी करते हुए हम क्रॉस लगाते हैं। ये बेसिक टोन थी इसकी लाइट। अब जहाँ पे इसकी टोन ज़्यादा होती जाएगी वहाँ पे हमारे क्रॉस बढ़ते जाएंगे। और इसमें आप क्रॉस बनाते हुए आप एंगल चेंज भी कर सकते हैं लाइंस का। जैसे जैसे डार्क होते जाएगी आपकी लाइंस के दरमियान डिस्टेंस कम होता जाएगा। बहुत सारे लोग क्रॉस हैचिंग यूज करते हैं, और इसको आप पॉइंटर और बॉल पॉइंट से भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर हैचिंग यूज़ करती हूँ। अब बात करते हैं हम सर्कुलरिज्म की। अब सर्कुलरिज्म में भी आप फॉर्म के साथ साथ एक्सट्रीम लाइट में आपने लाइट ही छोड़नी है, फॉर्म के साथ साथ आप सर्कल्स बनाते जाते हैं। ज़्यादातर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स में हम सर्कुलरिज्म यूज़ करते हैं। सॉफ्टली लेट को आप
सर्कल्स में घुमाते हुए ये टेक्निक प्रैक्टिस करते हैं। इसमें स्मजिंग और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। सो जो लास्ट मैंने स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स बताए थे आपको, उसमें मैंने हैचिंग और सर्कुलरिज्म मिक्स करके यूज़ की थी। अब आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी इसमें डायमेंशन और इस टेक्निक से ही स्फेरिकल शेप क्रिएट हो गई है। स्टिपलिंग जो नेक्स्ट टेक्निक है, ये मैंने कभी नहीं यूज़ की, लेकिन आप ट्राई करना चाहते हैं तो देख लें। इसमें यूजिंग डॉट्स, फॉर्म के साथ साथ आप डॉट्स के साथ शेडिंग क्रिएट करते हैं। अब मैं एक ही बॉक्स के अंदर आपको इसकी टोन क्रिएट करके दिखाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये मिडल हो गई, तो जहाँ पे डार्क होगी वहाँ पे डॉट्स ज़्यादा होंगे। बेसिकली रूल वही है, हम उसी तरह फॉर्म के साथ चलेंगे, बस डॉट्स के थ्रू हम स्ट्रोक्स क्रिएट करते हुए करेंगे। अब ये डिफरेंट टेक्निक्स डिफरेंट टेक्सचर क्रिएट करने के लिए यूज़ होती हैं। पोरस सर्फेसिस को अगर हमें डिपिक्ट करना है शेडिंग में, तो हम ये डॉट्स वाली टेक्निक यूज़ करेंगे। सर्कुलरिज्म जो होता है वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, और क्रॉस हैचिंग जहाँ पे आपकी लाइट बहुत कंट्रास्ट जो है ज़्यादा हो, आप वहाँ पे शो कर सकते हैं। जहाँ आपने स्मजिंग दिखानी है, चीज़ें हेजी हैं, ब्लरी हैं, तो वहाँ पे आप हैचिंग करके साथ उसको स्टम्प के साथ स्मज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और होती है कंटोरिज्म, उसमें आप लाइंस के साथ प्ले करते हैं, हाइट्स एंड डेप्थ्स एंड एंगल्स क्रिएट करने के लिए उनके कंटोर्स लाइन, और अगेन उसमें फिर आप शेडिंग करके जहाँ पे डार्क होगा वहाँ डेप्थ क्रिएट होगी। जहाँ आपने हाइट दिखानी है वहाँ पे लाइट होगा। अमूमन ड्रेप्स एंड फोल्ड शो करने के लिए हम कंटोरिज्म यूज़ करते हैं। तो ये तो तीन डिफरेंट शेडिंग टेक्निक्स, और नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे शेडिंग ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स।